वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन देखेंगे हितकारी निधि वार्षिक अंशदान की राशि वेतन बिल से पे मैनेजर पर किस प्रकार कटौती करें। अपन एक डिडक्शन ऐड करना है पे मैनेजर पर, जो राजपत्रित कर्मचारी हैं उनके अकाउंट से 500 रुपये और जो अराजपत्रित अधिकारी हैं सबॉर्डिनेट सर्वेंट तो उनके अकाउंट से 250 रुपये कटेगा। ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश है, जो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया है। मैं रिडायरेक्ट करूंगा आपको पे मैनेजर पर। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूँ, इसमें कोई त्रुटि या विरोधाभास की स्थिति में आप विभागीय आदेश को ही माने। आप पे मैनेजर ओपन करेंगे, टैग टू मैन साइट, पे मैनेजर ओपन आफ्टर मास्टर की टैब में डिडक्शन मास्टर में जाएंगे और डिडक्शन मास्टर में यहाँ पर कोऑपरेटिव अकाउंट डिटेल्स, इसको क्लिक करेंगे। पे आईडी यहाँ पर कोऑपरेटिव मास्टर डिटेल यहाँ पर ओपन है और सबसे ऊपर यहाँ पर कोऑपरेटिव सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हितकारी निधि का ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड लिखना है, जो अपन को आदेश में सर्वविदित है। यहाँ पर जैसे ही आप बैंक बीकानेर के आईएफएससी कोड सबमिट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक नीचे की ये सारी एंट्री है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जो बैंक का अकाउंट है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पर आईएफएससी कोड ही सबमिट करना है और इसके बाद में आप अपडेट बटन करेंगे। अपडेट बटन में यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि डाटा अपडेट सक्सेसफुली, ओके करेंगे। दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है और उसके बाद में सेकेंड में जाना है। यहाँ पर मास्टर की टैब में एम्प्लॉय डिटेल्स, अब एम्प्लॉय डिटेल्स जो ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट साइड में जो कर्मचारियों की लिस्ट खुल गई है, इसमें से जो भी कर्मचारी हैं जिनकी जो प्रत्येक के अपन को डिडक्शन करना है उसमें सेलेक्ट करेंगे अपन। जैसे यहाँ पर इस कर्मचारी को अपन ने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में सबसे नीचे की टैब में यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा वो क्रॉप डिटेल, इसमें जाना है और इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पर पे नेम में हितकारी निधि जो अपन ने अभी अपडेट किया है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अकाउंट नंबर, वो जो 510 वाला जो अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर 510 20 72 16 11 अकाउंट जो SBI का है, अब सबमिट करेंगे। यहाँ पर जो मैसेज दे रहा है रिकॉर्ड पहले से दर्ज है, यानी कि अपन ने पहले जो हितकारी निधि का जो ऑप्शन रिकॉर्ड दिया है इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर अपन को बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन और सैलरी प्रिपरेशन में एम्प्लॉय पे डिटेल, इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद में अपन को दिसंबर मंथ की सैलरी से जो डिडक्शन करना है तो यहाँ पर दिसंबर मंथ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ईयर 2018 और ग्रुप। जैसे प्रत्येक कर्मचारी का इसमें करना है तो अपने अभी जिस कर्मचारी का जो डिडक्शन दिया है उसमें अपन ऐड डिडक्शन में जाएंगे। जैसे मैंने कल ही वीडियो में बताया था जो मेरा टैक्स डिडक्शन का जो वीडियो बना था, अब ऐड डिडक्शन में अपन को ऐड डिडक्शन करना है तो डिडक्शन कॉलम में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऐड डिडक्शन। यहाँ पर हितकारी निधि का ऑप्शन अपन को दिख जाएगा, हितकारी निधि यहाँ पर 301 और यहाँ पर अपन बीच वाली जो स्लैब है यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर ये अराजपत्रित अधिकारी है सबॉर्डिनेट सर्विस में आते हैं तो सबॉर्डिनेट के 250 आदेशानुसार अपन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर मैसेज दे रहा है डाटा एडेड सक्सेसफुल, यानी कि कर्मचारी के दिसंबर मंथ की सैलरी से ये 250 रुपये का डिडक्शन ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर मैसेज नीचे दिखाई दे रहा है स्पष्ट, हितकारी निधि के 250 रुपये अमाउंट डिडक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पर डिडक्शन जो है वो बिल्कुल ऐड हो चुका है, यहाँ पर 250 रुपये हितकारी निधि की राशि। तो इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी की दिसंबर माह की सैलरी से जो हितकारी निधि की राशि अपन को डिडक्शन करनी है और जो सबॉर्डिनेट सर्विस में है उनके लिए 250 रुपये है
और जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके लिए 500 रुपया, और दिसंबर माह की सैलरी से एक ही बार इसको डिडक्शन करना है। जैसे ही दिसंबर माह खत्म होता है अपन जनवरी की सैलरी प्रोसेस करेंगे तो उस समय इस डिडक्शन को यहाँ से हटा देना है ताकि इस सैलरी में दोबारा प्रोसेस ना हो जाए। तो एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।